तीन तरीके जिनसे आप अपनी विल पावर बढ़ा सकते हो। नंबर वन, हम लोग किसी दिन अचानक से मोटिवेट होकर अगले दिन का टाइम टेबल बनाकर उसमें सारी आइडियलिस्टिक चीजें लिख देते हैं। 10 घंटे पढ़ाई, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, जैसे अगले ही दिन पूरी लाइफ पलट देंगे। रियलिटी में होता कुछ नहीं है, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप बहुत सारी नई चीजें एक साथ करने की कोशिश करोगे तो काफी चांसेस है कि आप उनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक चीज पर अपनी विल पावर लगाओ, और जब वो आपकी हैबिट बन जाए उसके बाद अगली न्यू हैबिट उठाओ। नंबर टू, जितना हो सके कोशिश करो कि आपको अपनी विल पावर यूज ही ना करनी पड़े। जैसे अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो अपने घर में सारे अनहेल्दी स्नैक्स लाने बंद कर दो, ताकि वो आपकी नजर में ना आए। नजर में नहीं आएंगे तो थॉट नहीं आएगा, तो टेम्पटेशन नहीं होगी। टेम्पटेशन नहीं होगी तो विल पावर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। नंबर थ्री, हमारे इमोशंस और लॉजिक के बीच की फाइट को ही विल पावर कहते हैं। अगर आपकी विल पावर बार बार हार जाती है तो इसका साफ मतलब है कि आपने अपने मन और अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा महत्व दे रखा है। दुनिया की ऊंची से ऊंची फिलोसफीज हमें बताती आई है कि अपने मन से थोड़ी डीअटैचमेंट बनाकर चलो, उसका गुलाम मत बन जाओ। जो अपने आप को अपने मन से अलग करके देख पाता है उसको एक अलग लेवल की क्लैरिटी और पावर मिलती है, जिससे वो अपने मन के अगेंस्ट जाकर जो करना जरूरी है वो कर सकता है।